मैंने एक पीसी लिया, तब से मुझे एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जा रहा है कि भाई अपने पीसी स्टैक्स के बारे में बताओ, अपने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं अपने पीसी में, गेमिंग पीसी में, अपने एडिटिंग पीसी में। आज की वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है और मैं कराने वाला हूँ आपको अपने पीसी के दर्शन, कुछ सो कॉल्ड लोगों की लैंग्वेज में बोले तो पीसी टूर। अगर मेरे पीसी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछे तो यार मैंने इसको अच्छी खासी गेमिंग, एडिटिंग और चवन्नी छाप स्ट्रीमिंग के लिए बनवाया है। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरी गेमिंग चैनल की लिंक है, जिसमें अपनी चवन्नी छाप गेमिंग करता रहता हूँ। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज इस पीसी के बारे में और इस पीसी की ओवरऑल प्राइस और इस सेटअप की ओवरऑल प्राइस बताने वाला हूं। तो गाइस हमें बात करें हमारे मदरबोर्ड की, क्योंकि वो ही एक मेन चीज होती है जो पूरे पीसी को हैंडल करने का काम करती है। यहाँ पे मैंने यूज किया है इसमें गीगाबाइट का B450MH अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड, जो कि यार काफी कमाल का आता है। इसमें आपको मिल जाते हैं 2 रैम के स्लॉट्स और इसमें आप अपने RGBs को भी कंट्रोल कर सकते हो। इस मदरबोर्ड के साथ मैं फ्यूचर में कोई भी CPU वगैरह चेंज करूंगा, अपग्रेड करूंगा, तो उसको ओवरक्लॉक भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये जो CPU इसको भी मैं इसमें ओवरक्लॉक कर सकता हूँ। तो यार ये मेरे को काफी अच्छी चीज लगी है इस मदरबोर्ड की, काफी चीपेस्ट प्राइस में मेरे को काफी अच्छे स्पेक्स दे रहा है ये। तो बात करें यहाँ पे CPU की, तो CPU और काफी कमाल का है और काफी चीपेस्ट प्राइस में मिला है मेरे को CPU भी। तो CPU यहाँ पे मेरा AMD Ryzen 5 3500। तो यार ये काफी ज्यादा कमाल का गेमिंग में काफी अच्छी हमको FPS दिला देता है। तो भाई ये मेरे को 60+ FPS आराम से दे देता है हाई सेटिंग्स पर। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें 6 कोर और 6 थ्रेड्स के साथ में हमको ये CPU मिलता है, जो कि यार काफी कमाल का डिसेंट CPU है इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर। और गाइस इस CPU को भी मैं फ्यूचर में अपग्रेड कर सकता हूँ और इसको ओवरक्लॉक करके भी काफी इसकी पावर को एनहेंस कर सकता हूं मैं। ये मेरे को काफी ज्यादा कमाल की चीज लगती है इस CPU की, क्योंकि काफी कमाल का है यार CPU और बजट में रहकर काफी अच्छी आपको गेमिंग करा देता है। अब गाइस बात करें हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट्स की, तो वो है हमारा पावर सप्लाई, जो कि मैंने यहां पे यूज किया 550 वाट का गीगाबाइट का पावर सप्लाई, जो कि 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है। तो गाइस ये मेरे को किसी ने बताया था कि 80+ ब्रॉन्ज वाला पावर सप्लाई लेना वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, उसकी वायरिंग वगैरह काफी अच्छी थी। तो वो मैंने यहां पे यूज किया है 550 वाट का गीगाबाइट का पावर सप्लाई, जो कि यार काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा हैवी है। कितनी भी रिक्वायरमेंट होगी पावर की तो ये उसको पूरा सप्लाई कर देगा। तो अब गाइस बात करें हमारे यहां पे रैम की, तो यार रैम यहां पे काफी पॉपुलर रैम मैंने लगाई हुई है, जो कि हर यूट्यूबर, हर गेमर, हर स्ट्रीमर लगाता है। तो वो रैम काफी कमाल की है। तो गाइस यहां पे मैंने रैम लगाई कोरसर रेंजर की 8GB रैम, जो कि काफी ज्यादा सही है। दूसरा वाला स्लॉट मेरा खाली है, क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं था कि 2 रैम में एक साथ अफोर्ड कर सकूं, तो मैं आने वाले टाइम में दूसरी रैम भी लगाऊंगा इसमें। बट 8GB पे मेरे को काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, माइनर सा कोई हल्का फुल्का लैग मिलता है कभी कभी मल्टीटास्किंग करता हूं तो। और गाइस इस रैम की मैं आपको एक खासियत बताऊं तो इसको भी हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अगर बात करें मेरे SSD की, तो यहां पे मैंने 240GB की डाटा की SSD ली है, जो कि मेरे कंप्यूटर को काफी ज्यादा फास्ट कर देती है। और SSD का मेनली काम यही होता है कि यार एक तो नई जो जनरेशन है उस पर आती है और वो अपने कंप्यूटर को काफी ज्यादा फास्ट, काफी ज्यादा उसकी स्पीड को बूस्ट करती है। तो वैसे यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात करें तो वो है मेरी WD ब्लू की हार्ड डिस्क 1000GB की, यानी कि 1TB की हार्ड डिस्क है, जो कि यार काफी बड़ा स्पेस लेके आती है अपने अंदर। और ये भी काफी अच्छे प्राइस में मेरे को मिल गई थी। इसमें गाइस मैं काफी ज्यादा चीज स्टोर कर सकता हूँ, हालांकि फ्यूचर में मैं इसको भी अपग्रेड करूंगा और यहाँ पे 2TB की जो है हार्ड डिस्क यूज करूंगा। तो फिर फिलहाल यूज के लिए मेरे को जो है 1TB की जो हार्ड डिस्क है वो काफी है और मेरा काम अच्छे से इसमें निकल जाता है। इस बात करें यहाँ पे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो वो है हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट, जो कि है मेरा ग्राफिक्स कार्ड। वो है मेरा यहाँ पे MSI RX 570, जो कि है 8GB की VRAM के साथ में, काफी बड़ी VRAM है। हालांकि आजकल की जो नॉर्मल गेम्स हैं उनमें जो है VRAM 4GB की 6GB की देखने को मिलती है, बट ये जो है VRAM फ्यूचर प्रूफिंग के लिए GTA 6 वगैरह काफी बड़े बड़े गेम्स को आसानी से हैंडल करके उनको चला सकती है और अच्छे FPS भी दे सकती है। गाइस काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जो है VRAM का कोई पार्ट नहीं होता है FPS को निकालने में, तो ये उनका मिथ है, क्योंकि FPS इससे 5-6% FPS बढ़ते हैं VRAM भी बड़ी होने से। साथ में RX 570 का ये प्रीमियम वाला एडिशन है, यानी कि आर्मर एडिशन के साथ में मैंने यहाँ पे परचेस किया। ये मेरे को पड़ी थी समथिंग 16,000 रुपये की। तो ये सारे प्रोडक्ट है ये मैंने अपने लोकल मार्केट से जयपुर से परचेस किए थे रायसर प्लाजा से, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को चीपेस्ट पड़ गए थे। अगर आप कंपेयर करो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स, तो यार बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन में महंगे हैं, समथिंग 4-5 हज़ार की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो वैसे अपन यहाँ पे बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर जो है आपने मेरे पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा, काफ़ी पुराना मॉनिटर है ये, समथिंग 7-8 साल पुराना मॉनिटर है। HCL का मॉनिटर है ये, 15 इंच के आसपास कुछ मॉनिटर की इसकी साइज है। और आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में जो मेरा ये CPU पड़ा हुआ है पुराना वाला,
ये वाला जो आपने सीपीयू देखा उस वाला ही जो मैंने ये पुराना वाला लगाया हुआ है जो मेरे को यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ पे गेमिंग करा देता है ठीक ठाक है कैश, बट कुछ दिनों में मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक ही मेरे को गेमिंग करा देता है फिलहाल, क्योंकि अभी मेरा बजट नहीं है इसको अपग्रेड करने का। तो कुछ दिनों में मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ जैसे ही मेरी यूट्यूब की पेमेंट आने वाली है। अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तो वो है हमारा यहाँ पे माउस, जो कि लैब केयर का माउस है और एक बेसिक ऑफिस माउस है, जो कि मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से 150 रुपये में परचेस किया था। ये भी मेरा काफ़ी पुराना माउस है एसी सीपीयू के साथ वाला, और इसको मैं नॉर्मली काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहा हूँ। तो जो जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं जो 5-5 10 हज़ार का माउस यूज़ करते हैं, क्या सीरियसली क्या ज़रूरत है यार, मैं नॉर्मल माउस से काफ़ी अच्छी कमाल की गेमिंग कर लेता हूँ और ठीक है यार, मतलब अपना काम निकल जाता है अच्छा खासा। तो वैसे बात करें यहाँ पे मेरे जो माउस पैड है तो वो भी काफ़ी बेसिक सा माउस पैड है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो माउस पैड जो है ये यार मेरे को समथिंग 150 रुपये का पड़ गया था आराम से लोकल मार्केट से। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस सर्च करें तो ये आपको 250 से 300 रुपये के बीच में मिलता। तो यार 150 रुपये में काफ़ी कमाल का माउस पैड है और काफ़ी बड़ा है, मेरे को आराम से इसमें गेमिंग अच्छी खासी हो जाती है। जो RGB वगैरह के चोचले वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए। बस यहाँ पर मैं अपने PC में एक मेन चीज़ बताना भूल गया था, जो कि है मेरा कैबिनेट। तो गाइस तो वो है हमारा यहाँ पे GigaByte का C200 क्लास। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रीमियम टाइप का अब बोल सकते हो कैबिनेट है, बट यार मैं RGB आपको नहीं देखने को मिलेगी एक भी अंदर ना बाहर। बाहर की साइड में आपको एक पट्टी देखने को मिल जाएगी ARGB पट्टी है, जो कि यार ठीक ठाक है अपने काम निकल देती है, ना ही फैन है इसमें। तो गाइस मेरा अच्छी तरह से काम निकल जाता है, बट यार कुछ दिनों में मैं जो है अभी मेरा बजट नहीं था, वैसे मैंने अंदर से फैन वगैरह नहीं लगवाए थे ARGB। कुछ दिनों में मैं इसमें ARGB फैन भी लगवाऊंगा और यहाँ पे मैं एक और रैम इसमें अपग्रेड करने वाला हूँ थोड़े ही दिनों में, जैसे यूट्यूब पेमेंट आएगी। और यहाँ पे मैं अपना ही मॉनिटर भी लेके आने वाला हूँ बढ़िया वाला। सो गाइस अब बात आती है यहाँ पे एक ओवरऑल प्राइस की, भाई एक कंफर्म मेरे को प्राइस बताओ कि आपका कितने रुपए में जो है पूरा PC पड़ा, तो वो हमको आप बताओ। तो गाइस अगर बात करें मेरे CPU की प्राइस है 50,000 का, मेरे को ये ही पड़ा है सिर्फ। और अगर बात करें ओवरऑल पूरे सेटअप की, जो मैंने ग्रीन कलर की जो कारपेट वगैरह ली है ग्रीन ग्रास वाली, और जो ऊपर का पूरा नीचे तक का सारा जो भी सेटअप अगर हम कंप्लीट ऐड करें तो हमारे यहाँ पर 60,000 के आसपास में पूरा पड़ जाता है। 60,000 में गाइस मेरा पूरा जो है सेटअप यहाँ पे आ चुका है, 50,000 का ओनली ये पड़ा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया मेरे को, और आने वाले टाइम में मैं जो है रैम को RGB फैंस वगैरह, और हो सकता है कभी जो है इसको भी मैं अपग्रेड कर लूँ। डिस्प्ले तो मेरे को अपग्रेड करनी ही है, माउस और ये चीज़ तो मेरे को अपग्रेड करनी है, कुछ दिन बाद करूँगा गाइस जैसे मेरा बजट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप लोग जैसे सपोर्ट दिखाओगे मेरे को, तो उस टाइप से मैं जो है धीरे धीरे इसको अपग्रेड करता रहूँगा। तो गाइस आई होप आपको मेरा PC टूर, मेरा सेटअप टूर, जो भी आप बोल सकते हो सो कॉल्ड टूर वगैरह का, जो लैंग्वेज में PC टूर बोलते हैं, वो आपको अगर पसंद आया तो यार चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरे को कमेंट करो नीचे किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। तो बाय गाइस।